राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है? आज मुझे घर से निकले हुए पता नहीं क्या दिन हो गए, आज तो मैं भूल रहा हूँ, शायद तक 86-87 दिन हो चुके हैं। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से ऋषिकेश, और मैं भाई पता है सुबह से अभी तक बहुत ज़्यादा उतरा है, क्योंकि पूरा ऐसा ढलान है, साइकिल जा रही डबल स्पीड में, तो बहुत ज़्यादा उतरा है। तो लगभग मैं कल तो ऋषिकेश आराम से पहुँच जाऊँगा, उसके बाद मैं हरिद्वार और फिर वहाँ से आगे बढ़ूँगा। अभी फ़िलहाल मैं बैठ गया था अंकल के इधर पे, यहाँ पे पराठा खाने, भाई अंकल की दुकान पे ना बहुत देर से ढूंढ रहा था तो मिली नहीं थी, पर अभी फिल्म मिल गई है तो अभी यहाँ पे पराठा खाऊंगा और फिर यहाँ से आगे के लिए निकलूंगा। भाई पराठा आ चुका है, ये देखो पराठे की साइज बिल्कुल बड़ी है, उसके साथ में राजमा चने हैं, चने चने और ये रही टिक्की। चलो भाई इसको खाते हैं और फिर धूप भी निकल आई तो आगे के लिए बढ़ेंगे। भाई पराठा खा के मैं हो गया रेडी बिल्कुल मस्त, और एक और चीज़, हाँ क्रीम रोल भी ले लिया मैंने भाई 10 रुपये का, मस्त। और ये रही अपनी धन्नो कंप्लीट, भाई फ्लैग नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा भाई, कल परसों कल जैसे ऋषिकेश पहुंच जाऊँगा, ऋषिकेश नहीं तो हरिद्वार में फ्लैग ज़रूर ले लूँगा। एक तो है मेरे पास, मैं वो लगाया नहीं क्योंकि एक अच्छा नहीं लगेगा इसीलिए। चलो भाई चलते हैं मस्त क्रीम रोल खाते खाते आगे निकलते हैं। चलो गाइज अभी तो साइकिल ना इतने मस्त तरीके से जा रही है, देखो हाथ छोड़ के, क्योंकि डबल लाइन रोड है पूरा है और ठीक है, और थोड़ी सी ढलान भी है, मतलब मस्त साइकिल जा रही है और बढ़िया चल रही है। सो मैंने 7:15 पे निकला था और 10 बजे तक, हाँ 10 बजे थे, उससे पहले ही 40 किलोमीटर निकाल दी भाई, 43 जहाँ नाश्ता करने बैठा था वहाँ 43 पहुँच गया था मैं, क्योंकि ढलान थी तो बहुत जल्दी पहुँच गया था मैं, और अभी भी ऐसी ढलान आ रही है तो चलते जा रहा हूँ, मज़े से मज़े आ रहे भाई। अभी तो जल्दी ऋषिकेश पहुंच जाऊंगा मैं, ऋषिकेश पहुंच गया फिर हरिद्वार और फिर मैं इन पहाड़ों से बाहर हो जाऊंगा भाई। ये देखो पहाड़ी पहाड़ है ना गनमन, इनसे बाहर हो जाऊंगा कुछ दिन में नहीं कल परसों में बाहर हो जाऊंगा मैं, नर्सों के दिन या फिर ऐसे किसी दिन में मैं नॉर्मल रोड्स पे लग जाऊंगा, क्योंकि हरिद्वार पहुंच गया उसके बाद मैं नॉर्मल रोड है पूरे के पूरे, क्योंकि वहाँ से फिर मैं निकलूँगा आगे के रास्ते के लिए। पहले एक दिन हरिद्वार रुकूँगा, दिन में दर्शन करने हैं, रात में कुछ देखना है, फिर उसके बाद मैं अगली सुबह निकलूँगा। तो अभी तो जाए जा रहा हूँ मजे से मैं, अरे से साला टैक्सी वाला हरामी, जिधर इतना बड़ा रोड खाली पड़ा मेरे ऊपर ही चढ़ाया जा रहा है। चलो कोई ना, ऐसे लोगों को तो मैं जान दे भाई, चल निकल यार कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुश हूँ आज तो मैं, और नीचे उतर रहा हूँ तो बहुत खुशी हो रही है मेरे को, जैसे जैसे नीचे उतर जा रहा हूँ मैं अच्छे रोड पर लूँगा तो और ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। देखो मज़ेदार, ऐसे टर्न आ जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती मुझे। चलो भाई चलते हैं, ज़्यादा देर अब ऐसे चला नहीं सकता मैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। गाइस यार ये वाले पहाड़ों को और यहाँ का जंगल देखो, कितना देख रहे हो जंगल, देख रहे हो कितना भयंकर जंगल है यहाँ पे, और पूरा शांत है भाई, दूर दूर तक अभी तक कोई घर नहीं दिख रहा मुझे, बहुत जंगल है। और इसके बाद में ये देखो ट्रक वगैरह आ रहे हैं, मतलब चल रहे हैं प्रॉपर, अभी तो ये 2-3 साथ में आ गए, नहीं तो एक भी नहीं आ रहा था, और जंगल बहुत खतरनाक है। और ये नीचे जो सामने जा रही हैं ये यमुना मैया हैं, इनके ही सहारे मुझे चलना है पूरा, चलते जाओ और क्या है, मज़े से जाए जा रहा हूँ भाई मैं अभी तो, क्योंकि अभी तक ना चढ़ाव नहीं आया, लंबा चढ़ाव नहीं आया है, थोड़ा बहुत आया जो कि बैठे बैठे चढ़ा देता हूँ मैं, अभी तक लंबा चढ़ाव नहीं आया, आगे का पता नहीं क्या होगा, तो बस मैं तो चलते जा रहा हूँ मज़े से, चलते जाते हैं, चलो यमुना मैया के सहारे चलते जाओ। तो भाई अभी तक जितना उतरना था उतर लिया, अब 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई आ चुकी है, ऐसे ऐसे गोल घूम के ऊपर पहुँचना है, ज़्यादा नहीं है 3-4 किलोमीटर है तो पहुँच जाएंगे। चलो भाई धीरे धीरे चढ़ता हूँ इसको ऐसे ऐसे करके, ऐसे लहरियाँ लेते हुए, चलो। तो भाई इतनी तेज धूप और सीधा चढ़ाओ, और मैं अपनी धन्नो से भाई चढ़ा आया हूँ, थोड़ा बहुत और बचा है, बहुत भयंकर धूप लग रही थी, हालत ख़राब हो चुकी है, बस भाई चढ़ना है, भगवान का प्यार पा, भगवान का आशीर्वाद और आप सबका प्यार जो पाना है। वो देखो गाइस ये सामने रोड दिख रहा है ना, ये ऐसा घुमा घुमा, ये ऐसा कट के हो पूरा, ये पहाड़ चढ़ के हो फिर इधर से आया मैं, ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ से यहाँ आया हूँ, अब इधर जाके थोड़ा नॉर्मल रोड है, अभी स्लो मतलब सीधा रोड दिख रहा है मुझे तो, और आगे जाके थोड़ा बहुत डाउन होगा, पर देख रहे हो भाई कहाँ से चढ़ के आ गया, वहाँ से ये पूरा पहाड़ चढ़ लिया यहाँ तक, और अभी फिर इधर उतर रहा हूँ,
मुंह पे पसीना आ रहा है वो तक सूख गया भाई। यार नॉर्मल रोड आ गया तो हवा लग लेगी तो वो सूख गया, वहां पे बूंद बूंद टपक रही थी। चलो भाई चलते हैं, सुनसान जगह है, पता नहीं कोई है या नहीं। गाइस एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो भाई मस्त झरना, भाई मस्त झरना। मैं अभी अपना मुंह धुल लेता हूँ भाई, पानी ठंडा ठंडा बढ़िया हो जाएगा मेरा मुंह भी। चलो धुल लेता हूँ, वैसे भी बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। बढ़िया मजे से रेनबो दिख रहा है भाई, रेनबो दिख रहा है, मजेदार बन रहा है ना। देखो नीचे बैठूंगा तो नीचे आ जाएगा, ये आ गया नीचे। ये देखो भाई यहाँ तक का पूरा बन रहा मजेदार, और ये रहा पूरा झरना मजेदार गिर रहा भाई। नहाने की इच्छा हो रही है, कुंड भी है बढ़िया, लोट लेता मैं तो यहाँ अगर लोग नहीं होते तो। फिलहाल तो मैंने मुंह धो के काम चला लिया। चलो भाई अब चलता हूँ आगे, मुंह तो धुल लिया, अब आगे निकलते हैं। भाई निकल आया मैं मुंह धुल के बढ़िया मस्त, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पसीना पसीना था तो अजीब सा भी लग रहा था। बढ़िया ठंडा ठंडा पानी था तो मुंह धुल लिया, मजे आ गए अब तो। और ये बगल में देख रहे हो खाई, देख रहे हो यहाँ से नीचे, देखने में भी डर लगता है भाई, देखने में भी डर लगता है। कोई ना कोई ना भाई, चलो चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ और उतरते जाओ, बस यही काम है फिलहाल तो मेरा। अब चढ़ना है उतरना है, जैसे ही हरिद्वार पहुंचा ना भाई बहुत खुशी होगी मुझे। यार रुकना ही पड़ेगा, चलो अब चलता हूँ मैं, नहीं तो पता चले बीच रोड पे रुक गया कोई आ जाए। भाई यार ये देखो यार कितना सुंदर पानी है, ये देखो, देख रहे हो पूरा नीला रखा हुआ है भाई, पूरा हरा रखा हुआ है इतना सारा। ये डैम बना रखा है यहाँ पे, इसीलिए इतना सारा पानी भरा हुआ है, उधर पीछे से भरा हुआ है पूरा। ये देखो ये शायद, रुकना एक मिनट। हाँ तो ये यमुना मैया है, यमुना रिवर है ये यहाँ पे, और ये हमारे वृंदावन में भी जाती हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे ऊपर उद्गम मैंने दिखाया था जहाँ से वो आई, और ये यहाँ पे इन पर डैम बना दिया यहाँ पे पूरा, मस्त लग रही है भाई। ये देखो इधर से ये पहाड़ों के बीच में से ये आ रही है सनलाइट और धूप, और ये देखो मस्त नज़ारा। चलो भाई देख लिया नज़ारे, अब धड़कते हैं मतलब उतरते हैं, उतारे तो उतरते हैं, धड़कते नहीं हो उतरते हैं। चलो गाइस भाई यहाँ के तो ऐसा फील हो रहा है जैसे खुले खुले में आ गया मैं, क्योंकि ये पहाड़ बहुत दूर है और सामने पहाड़ भी नहीं दिख रहे, तो ऐसा लग रहा है खुले खुले में आ गया हूँ मैं। और कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद में ना पूरे खुले में आ जाऊँगा मस्त, बिल्कुल सीधे रोड और मज़ेदार। बस अब हरिद्वार पहुँचना है, उसके बाद में फिर अच्छे ही अच्छे। ये देखो भाई मजेदार रोड, शांति से जा रहा हूँ, ढड़कते ढड़कते बिल्कुल, मजे आ रहे भाई, खूब मजे आ रहे अब तो, मतलब अब नहीं अभी तो, अभी शुरुआत हुई है, परसों के बाद में, परसों नरसों के बाद में जैसे ही हरिद्वार से निकलूँगा उसके बाद में और बढ़िया रहेगा। अरे यार भाई सीधे रोडों पर चलना ना बहुत अच्छा रहता है, साइड में एक में पहाड़ है, एक साइड मैया बह रही हैं, कभी यमुना मैया, कभी भागीरथी मैया, कभी गंगा मैया, भाई कैसे लोग बाग बातचीत करते नहीं है। बस चलते जाओ पहाड़ों पे, चढ़ते जाओ ऊपर बस। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे थोड़ा सुकून मिल रहा है, खुला हुआ लग रहा है यहाँ पे, इसीलिए बस अब जैसे ही हरिद्वार पहुँचूंगा, हरिद्वार में भी एक दो जगह दर्शन करने, वहाँ पे दर्शन करूँगा फिर निकलूँगा आगे के लिए, फिर उसके बाद में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो भाई चलता हूँ मैं, पहुँचता हूँ आज, देख कहाँ पहुँच सकता हूँ मैं, देखते हैं। यहाँ देखो भाई यहाँ तो और पूरी बहुत अच्छी फील आ रही है, जैसे वो पहले जंगलों में रहता था ना, बढ़िया मस्त, ना चढ़ाओ ना उतार, थोड़े बहुत आ रहे हैं, मस्त जा रहा हूँ मजे से। और खुला हुआ कोई पहाड़ नहीं दिख रहा, कोई पहाड़ नहीं, कुछ नहीं, बस जंगल और पेड़ ही पेड़। ये देखो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सामने से थोड़ी सी धूप आ रही है और बढ़िया गाड़ियाँ भी चल रही हैं और रोड भी बढ़िया है भाई, यहाँ तो मजे आ रहे हैं, पर अभी इसके बाद में और ज्यादा मजे आएंगे। ये देखो भाई अब हाईवे छोड़ के गांव के रास्ते पे आ गया, मतलब ये शॉर्टकट था और सीधा एक, तो कोई दिक्कत ही नहीं अपन को, थोड़ा बहुत चलना अपन को तो बस मजेदार है, अच्छा लग रहा है भाई। बहुत दिन हो गए थे यार पहाड़ों में से, आज बाहर निकला मैं, आज जाके इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं प्रॉपर जहाँ खुला होता है ना वहाँ आ गया, पास में आस पास में कहीं कोई पहाड़ वगैरह कुछ नहीं दिख रहा भाई, कोई भी नहीं दिख रहा पहाड़ वहाड़ कुछ भी नहीं। आज तो बहुत सुखी हो रहा हूँ मैं, बहुत शांति मिल रही है। अभी जैसे ही हरिद्वार और क्रॉस हो जाऊंगा ना, उसके बाद में और भी अच्छा लगेगा भाई, बहुत शांति मिल रही है, मजे आ रहे हैं। शायद आगे मैं जाके हाईवे पे लग गया, शायद नहीं, देखते हैं आगे जाके, अब पहुंचते हैं आज, कहीं रुकने की व्यवस्था देखूंगा, अभी जाके कहीं रुकूंगा, फिर सुबह निकलूंगा ऋषिकेश के लिए।
क्योंकि अभी बहुत बचा हुआ है। मैं आ चुका हूँ एक गुरुद्वारे में। आज तो भाई बहुत साइकिल चल गई यार, मतलब आज जैसे पहले नॉर्मल चलती थी ना, नॉर्मल रोड्स पे जैसी चलती थी, आज वैसी चल गई, कुछ 100 से ऊपर हो गई है, 100, 118 ऐसी कुछ चल गई है। तो भाई आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज ढलान भी थी और नॉर्मल रोड भी बहुत देर से आ रहा था, तो अपनी धन्नो ना बहुत भयंकर दौड़ रही थी, बहुत भयंकर तरीके से। अभी फिलहाल मैं एक गुरुद्वारे में आ चुका हूँ, आज रात यहीं स्टे करूँगा और कल सुबह यहाँ से निकलूँगा ऋषिकेश के लिए, जो क्योंकि मैं दोपहर तक आराम से पहुँच जाऊँगा और फिर हरिद्वार भी पहुँच जाऊँगा शाम को। तो भाई आज रात मैं स्टे यहीं करता हूँ, जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलना भाई। और अगर कोई चैनल पर नया है तो भाई चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय श्री राम।